वेदांता फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान दिवंगत हुए सुरक्षा गार्ड तगाराम देवासी के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसके तहत कार्यक्रम का आयोजन कर 10 लाख रुपए की राशि का चेक उनकी पत्नी अंशी देवी व पुत्र रमेश को भेंट किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रधान बिजला राम, सरपंच हिंदू राम गहलोत नागर, सरपंच शर्मा जी गुड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष भादाराम की उपस्थिति में केएन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर बीएस शेखावत ने ये सहायता राशि भेंट की। इस अवसर पर सिक्योरिटी हेड केएन नसीब सिंह कादियान, डीजीएम शाश्वत कुलश्रेष्ठ, डीजीएम सिक्योरिटी ओम प्रकाश यादव, सिक्योरिटी मैनेजर पृथ्वी सिंह राठौर, राजा कंवर, सुरक्षा प्रबंधक बरई, व्यवस्थापक प्रबंधक सनंत नाबियार, व्यवस्थापक प्रमुख महेंद्र और बाबू देवासी उपस्थित रहे। हॉस्पिटल में पिछली बार भी 42 लाख रुपए के 5 ट्यूबवेल की कंपनी से हमने आपके यहाँ दुबई और जो भी आपके हमारे को तीसरे दिन बोलते रहते हैं साहब जी का, इन्होंने प्रधान साहब बोल हमारे दिल में ये नहीं, आप बताइए क्या काम करना है, दो तीन काम हमें लिख के दे दीजिए, कुछ जो है सर्विस की तरह कार्य करते रहे। थैंक यू एंड जय हिंद। हम भी आप ही बनाए, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के नियमों में प्रधान साहब को कार्यक्रम की अध्यक्षता पृथ्वी सिंह सीएसआर ने की। सभी ने वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल व वेदांता समूह का तहे दिल से आभार ज्ञापित किया।